हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग डेली विद आद्या सो फाइनली मैं हाज़िर हूँ लेकर इंद्रलोक मार्केट का पार्ट फोर पिछले तीन पार्ट्स मैं ऑलरेडी लास्ट वीक ही अपलोड कर चुकी थी बैक टू बैक और ये है लास्ट फोर जो कि उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने बाकी तीन पार्ट्स थे ये मार्केट इतना बड़ा और इतना ब्यूटिफुल है समझ ही नहीं आता कि कौन सी शॉप्स को पहले दिखाओ और कौन सी बात को दिखाओ तो अगर आपने पिछले तीन पार्ट नहीं देखे हैं तो कल जाने से पहले मार्केट विज़िट करने से पहले ज़रूर देख लेना क्योंकि मैंने लोकेशन के साथ में हर चीज़ आपको डिस्क्राइब की है और कल अगर आप इंद्रलोक मार्केट आ ही रहे हो तो मोस्ट वेलकम लेकिन कोशिश करना कि बारह बजते ही मतलब बारह बजे से पहले पहले, पहले अपनी शॉपिंग खत्म करके निकल लेना क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है अपने साथ पानी ज़रूर कैरी करना हो सके तो एक बिस्किट का पैकेट क्योंकि Uh, हालत बहुत बुरी हो जाती है यार काफ़ी ज़्यादा भीड़ और गर्मी की वजह से ठीक है और अपने पैसों का अपने पर्स का अपने मोबाइल का हर चीज़ का ध्यान रखना और कल देखते हैं कौन कौन मार्केट में मिलता है एम वेरी एक्साइटेड आप लोगों से मिलने के लिए तो भाई कोशिश करना कल सुबह आठ बजे तक पहुंच जाना ठीक है और चार घंटे बहुत हैं आप लोगों के लिए शॉपिंग करने के लिए यार पूरा बैंक थोड़ी ना खाली करना है चार घंटे बहुत हैं एग्जैक्ट एग्जैक्ट लोकेशंस पे जाओ अपनी शॉपिंग ख़त्म करो बारह बजे से पहले आ जाना ठीक है अपना ध्यान रखना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सो so, ये लोकेशन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जो ग्रीन मस्जिद है काफ़ी बड़ी सी उसके बगल में गली जाती है जो मैंने आपको वीडियो पार्ट वन में दिखाया था जहाँ सारे बच्चों के कपड़े मिलते हैं वो वाला एरिया सो so, इस ग्रीन मस्जिद से आप यहाँ पर लेफ़्ट हो जाओगे तो सबसे पहले डिस्पेंसरी वाली रोड है और इसके थोड़े चलने के बाद एक और कट आता है ये एंट्री लेता है झूले वाले पार्क में तो एंटर करते ही यहाँ मुझे काफ़ी अच्छी कूल टी शर्ट्स देखने को मिली टू हंड्रेड रुपीज़ में बॉयज़ की जेंट्स की ये नीचे आप देख सकते हो स्टफ़ काफ़ी अच्छा है सभी फ़्रेश हैं लेकिन चेक आप ज़रूर कर लेना फिर भी और इन्हीं के पास में पैंट्स मिल रही हैं फॉर्मल वाली थ्री फिफ्टी रुपीज़ में और इसमें भी मुझे कुछ स्टफ़ ऐसा था जो ब्रांडेड दिखा जैसे ये आप देख रहे हो यू एस पोलो बट मैंने इसमें बटन ढूँढा तो इसकी वेस्ट पर बटन नहीं था प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है स्टफ़ भी अच्छा है अगर आप चेक करके लोगे तो ठीक है हर कोई डिफेक्टिव नहीं है अच्छा ही है तो इसमें मैं आगे बढ़ती हूँ तो मुझे झूले वाले पार्क के पास ही एक नए बच्चों के कपड़ों की शॉप मिली ये ब्यूटीफुल सा जो आप ड्रेस देख रहे हो पहली बात तो इसमें पीसेज़ भैया के पास बहुत सारे हैं आ, फोर ईयर से लेके आपको नाइन टेन ईयर तक की बेबी की गर्ल फ़्रॉक मिल जाएगी और प्राइस है सिर्फ टू फिफ्टी रुपीज़ ये जितने भी अभी फ़्रॉक्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये सभी टू फिफ्टी रुपीज़ की सेल में हैं और ये इस तरीके का स्टफ़ आपको कभी पटरी पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये सभी ब्रांडेड होते हैं एक और इनके पास कलेक्शन है सारा हंड्रेड रुपीज़ का ये जिसमें लोग छाट रहे हैं ये सब हंड्रेड का है और फ्रॉक्स जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी अल्टीमेट है बिल्कुल जो आपको रिटेल या शोरूम्स में थाउजेंड प्लस में रेट में मिलती है उस तरीके का स्टफ़ है काफ़ी डिज़ाइनर पीस है एक एक फ्रॉक समर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके पास मैंने बॉयज़ के कपड़े कम देखे गर्ल्स के ज़्यादा ही हैं तो इस तरीके की फ्रॉक्स आप टू फिफ्टी रुपीज़ में ले सकते हो इस बार भैया क्या लाएंगे वो कल जाकर ही देखने पर पता चलेगा तो ये हंड्रेड रुपीज़ वाली सेल में टी शर्ट दिखा रही हूँ मैं आपको ब्रांडेड है इस तरीके की और ये वाली जो शॉप है ये बिल्कुल अपोज़िट में है ब्रांडेड टी शर्ट वाले भैया की शॉप की ये जो दोनों आप शॉप्स देख रहे हो ब्रांडेड टी शर्ट वाले भैया की हैं सो तो यहाँ पर एज़ यूजल मेल्स की बहुत अच्छी शर्ट आई हुई है सारी ब्रांडेड हैं प्राइस वही है थ्री फ़िफ्टी रूपीज़ और ऊपर जो हैंगर में लगी होंगी वो फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी दो अलग अलग रेंज में हैं सो यू कैन सी पार्क एवेन्यू का औरिजिनल पीस है ये जिसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है टू थाउजेंड प्लस होती है मतलब लाल किला चोर बाज़ार की लोकल मार्केट्स में जो लोकल कपड़ा होता है उसकी भी शर्ट 200 की आती है तो ये तो फिर भी ब्रांडेड है ये देखिए डेनिम मटेरियल की शर्ट है ये 350 रुपीस में तो हर शर्ट पर उसका टैग उसका प्राइस उसका साइज़ सब कुछ मैंशन होता है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हो साइज़ भी इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे ही मिल जाएंगे कलर डिज़ाइन की भी कोई कमी नहीं है शर्ट्स के अलावा यहाँ पे आ, आपको इस तरीके के शॉर्ट्स मिल जाएंगे और ये भी ब्रांडेड हैं ये देखिए पढ़ लिया होगा आपने ब्रांड तो ये टू फिफ्टी रुपीज़ में है इसके अलावा ये टी शर्ट्स जो आप देख रहे हो ये भी ब्रांडेड हैं आप पॉज करके ब्रांड देख सकते हो ओरिजिनल ब्रांड है ये सारे टू फिफ्टी रुपीज़ की रेंज में नेट प्ले पीटर इंग्लैंड की ओरिजिनल टी शर्ट्स आपको मिल रही हैं कहाँ मिलेंगी टू फिफ्टी में और वो भी फ्रेश हैंड है ऐसा भी नहीं है कि सेकेंड हैंड है ये सब फ्रेश है सो ये सारा स्टफ़ आप ले सकते हो ब्रांडेड टी शर्ट वाले भैया की शॉप में और विंटर का इनके पास ऑलमोस्ट 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 ख़त्म हो रहा है अब यही सब आपको देखने को मिलेगा फर्दर इसका काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है भैया के पास में और अब मैं हूँ भैया की बगल वाली शॉप में यहाँ पर भी जेंट्स का स्टफ़ है यहाँ पर जो शर्ट्स आप देख रहे हो ये टू फिफ्टी रुपीस की रेंज में है वहाँ पर 350 और यहाँ पर 250 लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि लोकल है ये जो शर्ट आप देख रहे हो चेक्स की ये यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेंटन की है ओरिजिनल पीस है यार 250 में कौन देगा आपको ये देखो ये एक से बढ़कर एक टी शर्ट्स हैं 200 मतलब लोकल लोकल सी टी शर्ट भी आपको सरोजनी नगर और यहाँ पे 400 500 की मिलती है और ये तो ब्रांडेड है और ब्रांडेड का स्टफ़ कहने की कोई बात ही नहीं होती सालों साल चलता है स्टिचिंग भी अच्छी होती है मटेरियल भी अच्छा होता है तो दिस शॉप इज़ अ मस्ट कम ये भैया का कॉन्टैक्ट नंबर है और इनके शॉप के अपोजिट में यहाँ बच्चों के फुटवेयर की सेल लगी हुई थी दो से तीन साल तक के बच्चे का गर्ल का बॉय का शूज़ इसमें मिल जाएगा आपको और क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये बच्चे जो हैं इनका पैर बड़ा हो जाता है शूज़ तो अच्छा ही रह जाता है तो वन थर्टी रुपीज़ का ये भैया ने सेल लगाया हुआ है ये झूले वाले पार्क में है शॉप आप देख रहे हो दोनों बगल बगल ठीक है अब झूले वाले पार्क में ही ये रिहान भैया की शॉप है जो कि बिल्कुल रेडी टू वेयर कुर्ती प्लाज़ो और शरारे वाले सूट सेल करते हैं तो ये नीचे जो आप देख रहे हो ये साढ़े तीन सौ रुपये के हैं कुर्ती और प्लाज़ो ये बिल्कुल गर्मियों का तोहफ़ा जिसको कहना चाहिए वो है साइज इसमें आपको सारे मिलेंगे कूल कलर्स भी मिलेंगे डार्क कलर्स मिलेंगे क्वालिटी भी सबकी अच्छी होती है कॉटन भी मिलेगा इसमें आपको रिन कॉटन भी मिलेगा और ये सारे फ्रेश हैं फिर भी आपकी जिम्मेदारी है आपको एक बार पैसे देने से पहले जो आप ख़रीद रहे हो चेक ज़रूर करना है मार्केट में चाहे आप कहीं से भी कुछ भी लो ठीक है और जो पीछे आप देख रहे हो ये सभी चीज़ें ट्वेल्व हंड्रेड की हैं इसमें आपको शरारे वाले सूट दिखेंगे और लॉन्ग कुर्तीज़ दिखेंगी दुपट्टे के साथ में काफ़ी अच्छी डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं मैं आपको घुस के पास जाके दिखाती हूँ क्योंकि दूर से मज़ा नहीं आता अब देखो आप ये आ, ग्रीन वाला देखो आप पहले ये काफ़ी चल रहा है इस तरीके का फैब्रिक जॉर्ज में और ये पिंक वाला दूर से क्या लग रहा था और पास आके देखो कितना सुंदर है ये यूनिकॉर्न वाले शेड्स दे रहा है तो ये भी जॉर्जेट में है ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ का शरारे वाला सूट है ठीक है लॉन्ग कुर्तीज़ वग़ैरह तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है भैया का झूले वाले पार्क में आपको मिलेंगे इनके बगल में ये बीस रुपये लीटर भैया ने यही बत, बताया था बीस रुपये लीटर के हिसाब से फैब्रिक मिल रहा है सिल्क का और कोई ज़्यादा लेगा तो बीस रुपये किलोमीटर में भी वो लगा देंगे तो डील अच्छी है आ सकते हो झूले वाले पार्क में यहाँ पर एक भैया गाउन लगाते हैं टू थाउजेंड रुपीज़ की रेंज में पीछे इन्होंने गाउन्स लगाए हुए थे सेल में तो ये आप देख सकते हो पीछे झूले वाला पार्क है और यहाँ पर एक और शॉप है जहाँ पे गर्ल बेबीज़ के कपड़े मिल रहे हैं टू हंड्रेड रुपीज़ में कॉटन स्टफ़ की नेट की फ्रॉक्स हैं और ये भैया अभी जो पहले मैंने आपको दिखाया उन्हीं भैया के ब्रदर हैं और जो ब्रांडेड टी शर्ट वाले भैया हैं वो भी इन्हीं के ब्रदर हैं ये बहुत सारे ब्रदर्स हैं और ये सभी मेरठ से आते हैं और नीचे आप जो सेल देख रहे हो ये मात्र पचास रुपये की है और इसमें भी बहुत अच्छा स्टफ़ है ये सेकेंड हैंड कपड़े नहीं हैं पहली बात तो और जो आप ये कॉटन के टॉप्स मेरे हाथ में देख रहे हो ना इतने बेबी सॉफ्ट हैं ये छोटे बच्चों को पहनाने के लिए आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा मतलब बिल्कुल आ, हैंकी जैसे आ, अच्छे फैब्रिक के बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक के है कपड़े हैं ये ठीक है तो ये रेंज आपको यहाँ मिल जाएगी टू हंड्रेड और फिफ्टी रुपीज़ वाली ये झूले वाला पार्क है बेसिकली ये आपको पड़ेगा डिस्पेंसरी का बैक साइड तो यहाँ पर एक अंकल जी ने गर्ल बेबी के फुटवेयर का ही सेल लगाया हुआ है जिसकी प्राइसिंग है टू हंड्रेड रुपीज़ सब कुछ गर्ल्स के लिए मिलता है यहाँ पे बॉयज़ और जेंट्स के लिए तो जैसे शॉपिंग ही नहीं है दुनिया में बड़ा मुश्किल होता है यार इन लोगों के लिए कलर्स भी गिने चुने शॉपिंग भी थोड़ी मोड़ी पता नहीं कैसे खैर तो यहाँ पर आपको बड़े साइज़ की भी सैंडल्स मिल जाएंगी ये हैं टू हंड्रेड रुपीज़ में बेबी वाली भी मम्मा वाली भी सब टू हंड्रेड की है ठीक है यहाँ आपको आना है झूले वाले पार्क के पास का ये सारा लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ ठीक है ये वाले अंकल जी हैं अभी इनके बगल में एक और फैंसी ड्रेस कलेक्शन है गर्ल्स की और इनकी जो प्राइस रेंज है शॉप पर आपको 400 से साढ़े चार में ये हैवी गाउन्स मिलेंगे पीछे जो गोल्डन कलर का आप देख रहे हो जिसमें काफ़ी बड़ा बो लगा हुआ है वो साढ़े चार का है और नीचे कुछ आ, कपड़े हैं जो सेट वाइज ये वन सिक्सटी में है तो ये एक मोहतरमा ने ख़रीद ली थी वो इसे पसंद कर चुकी थी तो ये आप ले सकते हो और यहीं पर आपको झूले वाले पार्क के पास ही ये भैया मिलेंगे डिस्पेंसरी का बैक साइड है ये वाला एरिया नीचे जो आप बनारसी दुपट्टा देख रहे हैं स्टोल साइज़ का ये हंड्रेड रुपीज़ का है कलर वैरायटी बहुत बहुत सारी है और इन्हीं के पास आपको फैब्रिक भी मिल जाएगा जैसे कि ये फैब्रिक आप देख रहे हो लाइंस वाला ये मसलिन फैब्रिक है सिक्सटी रुपीज़ मीटर भैया ने इसका प्राइस बताया है ये भी मसलिन का फैब्रिक है स्काई ब्लू कलर में और ए वेखो जी पर्पल कलर मेरा फेवरेट तो ये पर्पल बनारसी सिल्क फैब्रिक है हंड्रेड रुपीज मीटर में ये भी भैया के पास आपको मिलेगा डिस्पेंसरी का बैक साइड ही झूले वाला पार्क है ठीक है वहीं पर ये सारी शॉप्स लगेंगी पीछे इनके पास कॉटन वगैरह सारा मटेरियल मिल जाता है और इनके ही जस्ट बगल में होते हैं हमारे ये ब्रांडेड टॉवल वाले भैया अगर आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा प्राणी है जिसे नहाना पसंद नहीं है और जिसे फोर्स करना पड़ता है नहाने के लिए उनको यहाँ से ज़रूर कोई टॉवल परचेज़ करके गिफ्ट करना क्योंकि इनके टॉवल्स की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा प्रीमियम है कि बंदे का बार बार नहाने का मन करेगा और मुझे तो पता ही नहीं था कि टॉवल्स में भी ब्रांड्स आते हैं पेपे -पे, जीन्स नॉट टिका ओ माई गॉड पता नहीं क्या क्या जो भैया बताते रहते हैं उनको नॉलेज है तो इनके पास अलग अलग वैरायटी रहती है ये जो अभी आप एग्जैक्टली देख रहे हो ओ माई गॉड का पीस है 1200 में दो और आप सिंगल भी ले सकते हो 600 पर पीस सो जैसा ब्रांड है जैसी क्वालिटी वैसा प्राइस है अदरवाइज 500 सौ की दो टॉवल्स नीचे लगी ही होती हैं एंड दे आर आल्सो ब्रांडेड स्टफ़ बहुत अच्छा होता है बहुत ही ज़्यादा प्यारा तो ये आप ले सकते हो एक मात्र अच्छी टॉवल की शॉप मुझे इंद्रलोक में यही लगती है और इनके बगल में हमारे डोर मैट वाले भाई हैं तो इनके पास इस बार देखो कितने प्यारे शेड्स हैं ये टू फिफ्टी रुपीज़ में टू दे रहे हैं भैया क्योंकि इनका जो साइज़ है और इनकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है अदरवाइज़ यहाँ पर डेढ़ सौ के दो वाली भी मिलती है ये मैं, मैं मैट को जूम करके नहीं दिखा रही हूँ मुझे किसी ने धक्का मारा था इसलिए मैं इतनी पास आ गई उसके तो यार क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है कभी भी परचेज़ करना हो चाहे साल में एक बार ही करना हो एक लो अच्छा लो राइट तो इनके बगल में यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी के कर्टन्स मिलते हैं मात्र एक सौ में और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है अगर आपने मेरा सदर का वीडियो देखा हो तो वहाँ पर नेट के पर्दे हंड्रेड रुपीज़ में मिल रहे थे तो उसके प्राइस के कम्पेरटिवली तो ये जो पर्दे मैं दिखा रही हूँ आपको चार सौ का एक होना चाहिए अगर आप किसी रिटेल मार्केट में रिटेल शॉप से लेने जाओगे तो बट यहाँ पर भैया ये सिर्फ वन सिक्सटी रुपीज़ का दे रहे हैं और इसके और काफ़ी सारे पीसेज़ इनके पास थे क्योंकि मैं टाइमली गई थी सो so, ये भैया का कॉन्टैक्ट नंबर है इनके पास वन सिक्सटी का सेल रहता ही है तो आप यहाँ से आके ले सकते हो और ये टॉवल वाले भैया की ही शॉप का है थ्री हंड्रेड रुपीज़ का ये टॉवल वाले भैया हैं ठीक है तो आप इनसे ले सकते हो टॉवल वाला गाउन और अब मैं आपको एक्जैक्टली exactly दिखा रही हूँ कलाकार वाली जो स्ट्रीट मैंने आपको दिखाई थी आप अगर रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा तो वो गली जहाँ ख़त्म होती है उसके कॉर्नर पर ये सूट वाले भैया हैं तो ये सूट इन्होंने दिखाया था बारह का इसके साथ में शान्टून की बॉटम है और प्योर का दुपट्टा है अभी मैं आगे आपको एग्जैक्ट बता दूंगी कौन सी गली में एंड पर होते हैं ये इनका सूट कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है कॉटन के आपको इनके पास थ्री फिफ्टी रुपीज़ में मिल जाएंगे ये भी ग्रीन वाला बारह सौ पचास रुपये का है और ये अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मसलिन फ़ैब्रिक में है प्रिंटेड सूट शान्टून की सलवार प्योर का दुपट्टा सेवन हंड्रेड रुपीज़ की रेंज में और अब ये वाला देखो बहुत ही सुंदर लग रहा था ये सूट पीच कलर का प्राइस आपने इसका देख लिया बहुत ही प्यारा है सो ये इन भैया का कांटेक्ट नंबर है और इनके ही पास यहाँ पर गुप्ता फुटवेयर वाले भैया अपनी शॉप लगाते हैं आई नो आप सोच रहे होंगे ये कैमरे को क्या हो रहा है ये मैंने वही शेकी वाले कैमरे से बनाया था मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम तो ये उसी का प्रभाव है प्लीज़ थोड़ा सा झेल लेना बस खत्म ही हो रहा है मैं जा रही हूँ उसके बाद तो ये टू हंड्रेड रुपीज़ में फ़ुटवेयर आप इनसे ले सकते हो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और इसमें ना लाइक मैरिट्स के लिए वर्किंग गर्ल्स के लिए कैजुअल्स हर तरीके के फुटवेयर का मिक्सचर होता है टाइम से जाओगे तो साइज भी अपने अकॉर्डिंग मिल जाएंगे और अब आप ये नहीं इसके बाद वाला देखना ऐसा लग रहा था वो स्टील का शूज़ है ये देखो मेटालिक लुक अल्टीमेट बहुत ही अच्छी शाइन थी इसकी पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिया मेरा ध्यान का रहता है ओके <laughs> सो okay, so ये भैया का कॉन्टैक्ट नंबर है और इसी लाइन में आगे, आगे आपको यहाँ पर ए डी ज्वेलरी की शॉप दिखेगी ये भैया बिल्कुल मुझे एंटरटेन नहीं करते मैं ज़बरदस्ती इनकी शॉप दिखाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है इनकी सारी वैरायटी ये देखो बहुत अच्छी ज्वेलरी और बहुत ही अच्छे प्राइजेस होते हैं जो आप ये ऊपर देख रहे हो 150 200 इस तरीके की बिल्कुल नॉमिनल प्राइजेस में आप इनसे ज्वेलरी ले सकते हो ऊपर ये जितने भी आप देख रहे हो मंगलसूत्र टाइप के और नीचे ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको ई की रिंग्स हैं काफ़ी हैवी तो ये हंड्रेड से वन में मिल जाएंगी इसके बगल वाला भी फिफ्टी टू हंड्रेड रुपीज़ में है ये सारा आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर साइज़ ठीक है ये राजू भैया की शॉप है और इनके बगल में ये स्टफ़ टॉयज़ और बैग्स वाले भैया बैठते हैं तो वन फिफ़्टी रुपीज़ में ये आपको टॉडलर्स के लिए बैग मिल जाएगा और बाकी स्टफ़ टॉयज़ भी कोई वन फिफ्टी के टू है कोई थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड ऐसी नॉमिनल प्राइज़ में आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर एक अंकल जी ये फ़र वाले बैग्स लेकर बैठे हुए थे टू हंड्रेड रुपीज़ की रेंज में और ये अभी जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा साइज़ है ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है इस तरीके के बैग्स बट ये बड़ा साइज़ है इसलिए टू हंड्रेड रुपीज़ का है देखो मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा पूरा क्वालिटी तो अच्छी होती है और अब जो आप मेरे हाथ में देखोगे ये छोटा साइज़ है ये हंड्रेड रुपीज़ का है ठीक है ये वाले अंकल जी लगाते हैं इनके बगल में दुपट्टे मिलेंगे आपको हंड्रेड रुपीज़ में तो ये आप ले सकते हो लेकिन हर चीज़ को आपको चेक ज़रूर करना है मार्केट में लेने से पहले ये पता नहीं क्यों हाथ चोट रहे थे <laughs> मैंने कुछ नहीं किया <laughs> तो ये आप ले लेना अब ये देखो कलाकार स्ट्रीट है पीछे स्कूल की बिल्डिंग है और स्कूल की बिल्डिंग के आगे बोर्ड लगा होता है उसी के जस्ट सामने एक गली आपको मिलेगी बहुत अच्छी गली है बहुत ही अच्छा सामान है एक बार इस गली से ज़रूर गुजरना यहाँ पर आपको आमिर भाई की कुर्ती और सूट्स वाली शॉप मिलेगी ऊपर आप ये जो देख रहे हो ये कुर्तियाँ हैं विद दुपट्टा इसमें आपको लोअर नहीं मिलेगा वैसे इसमें लोअर की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग साइज़ है इसका आप अपने घर से कुछ भी पहन सकते हो तो इनकी प्राइसिंग है थ्री फिफ्टी रुपीज़ और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं ऊपर आप जो देख रहे हो ये सारा फोर फिफ्टी है सिवाय ये बीच वाले वाइट को छोड़ के इसका प्राइस भी हमने फाइव फिफ्टी बताया और यहाँ पर एक काफ़ी ब्यूटीफुल ब्लैक कलर का सूट आपको देखने को मिलेगा ये फोर फिफ्टी रुपीज़ का है और इसमें लाइनिंग भी साथ में है प्योर का दुपट्टा है एंड भैया ने बताया कि इसमें आपको टेन कलर्स और मिल जाएंगे अब जो आप रैक देख रहे हो ये थ्री फिफ्टी रुपीज़ का है पूरा इसमें आपको कुर्ती और लेगिंग सॉरी नॉट लेगिंग कुर्ती प्लाजो एंड कुर्ती पैंट्स मिल जाएंगे थ्री फिफ्टी रुपीज़ में और डिज़ाइनिंग आप देखिए काफ़ी अच्छी है ये बिल्कुल वैसा नहीं है जो सीधा सीधा सिल देते हैं कोई डिज़ाइन नहीं होता कोई लुक्स नहीं होते ये वैसा नहीं है काफ़ी अच्छे हैं है, सारे फ्रेश हैं सारे पीसेस किसी किसी में आपको ऐसा दुपट्टा भी मिल जाएगा ठीक है ये वाला जो सारा रैक है ये थ्री फिफ्टी का है और अब जो आपको दिखा रही हूँ ये सारा फोर फिफ्टी का है एंड इस शॉप पर आप ये देखो ये देखने में डेनिम का लग रहा है कुर्ता और प्लाजो बट ये कॉटन का है स्पेशली uh, समर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये सो so, इस शॉप पर मेरे एक व्यूअर ने मुझे ऐसे बोला था हेलो आ जैसे तो वो मुझे कितने सालों से जानती हैं या मेरे पड़ोस में रहती हैं एंड आई रियली लाइक their कॉन्फिडेंस सो <laughs> so, ये भैया की शॉप का बाहर का बोर्ड है आमिर फैशन के नाम से ठीक है इनका contact नंबर आप जूम करके देख लेना यहीं पर exactly आपको आना है ये इसी गली में मिलेगा कलाकार स्ट्रीट वाला और भैया की शॉप के बाहर इन्हीं की शॉप का पार्ट है ये कुर्तियाँ जो कि इन्होंने टू हंड्रेड में सेल में लगाई हुई है ये भी काफ़ी अच्छी है अगर आपको कुर्ती प्लाजो नहीं लेना तो आप इस तरीके की, की कुर्ती ले सकते हो साइज़ आपको सारे मिलेंगे टू हंड्रेड रुपीज़ में राइट right. सो so, इसी गली में पड़ती है ये गाउन और फैंसी ड्रेसेस वाली शॉप और यहाँ पर सारी ड्रेसेस वैसी हैं ऑलमोस्ट जैसे मैं आपको ग्रीन मार्केट में दिखाती हूँ एंड इनफैक्ट फैक्ट प्राइजेज़ भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास हैं बट यहाँ पर गाउन्स थोड़े से कम मिलते हैं क्रॉप टॉप ज़्यादा होते हैं तो प्राइजेज़ आपको एक एक करके फ्लैश हो ही रहे हैं स्क्रीन पर इन भैया की शॉप करोल बाग में भी है बट आप कभी भी जाना इनके पास जाने से पहले कॉल ज़रूर कर लेना नंबर मैं आपको दूंगी सो ये जॉर्जेट फैब्रिक पर चिकन कढ़ाई का क्रॉप टॉप काफ़ी मस्त लग रहा था अभी मैं इसका प्राइस आपको बताती हूँ आगे आई थिंक ये सेल आउट हो गया था इतना सुंदर है यार कोई क्यों छोड़ेगा बाईस सौ रुपये ये भैया ने इसका प्राइस मुझे ट्वेंटी टू हंड्रेड रुपीज़ बताया है देखती हूँ कल अब ये रहता है या ऑलरेडी सेल आउट हो गया है तो ये पूरा क्रॉप टॉप वाली रेंज है यहाँ पर भी सामने आपको क्रॉप टॉप गाउन शरारा सब कुछ मिल जाएगा लुक एट दिस पिंक ब्यूटी इसकी चोली काफ़ी हैवी है विद लाइट गाउन ये आपको शरारे वाले सूट सब कुछ सारे मिल जाएंगे और एक यहाँ पर ये नया सूट ऐड हुआ था स्किन कलर का है ये बारह सौ पचास रुपये की रेंज में ये भी शरारे वाला सूट है और इनके शरारे वाले, वाले सूटों का प्राइजेस मैंने आपको अभी तक सोलह सौ पचास बताया है बट अब भैया ने उसमें हंड्रेड रुपीज़ का आपको डिस्काउंट कर दिया है तो पंद्रह सौ पचास में आप यहाँ से ये शरारे वाले सूट्स ले सकते हो बहुत सारे वैरायटी है बस आपको थोड़ा सा अर्ली आना होगा इसके अलावा यहाँ पर आपको एट हंड्रेड एट फिफ्टी में गाउन्स भी मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर सो डू कम अर्ली अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसी गली में यहाँ पर जहाँ ख़त्म होती है तो यहाँ पर साहिल भैया की शॉप है बेडशीट्स की सो इनके पास बेसिकली ग्लेस कॉटन का काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है प्रिंट्स देखिए आप कितने कूल हैं समर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे हैं तो ये सेट आपको मिलेगा थ्री फिफ्टी रुपीज़ में किंग साइज़ होगा विथ पिलो कवर और पीछे सिल्क वाली जो है वो आपको सेवन हंड्रेड में मिल जाएंगी इनके शॉप के पास ही स्टफ़ टॉयज़ मिलते हैं जो बड़े वाले आप देख रहे हो 150 के दो हैं वैलेंटाइन डे चला गया फिर भी मन करे तो किसी को भी अपना दिल दे सकते हो और नहीं तो ये बिल्ली दे सकते हो ये सभी आप मतलब बड़े साइज वाले भी कोई भी दो ले सकते हो वन के दो डायनासॉर ठीक है सो so, अब आपसे मुलाकात होगी कल इंटरलोक मार्केट पार्ट वन के साथ में तब तक ट्वेंटी फ़ोर आवर्स का इंतज़ार कीजिए और अपना ध्यान रखिए गॉड ब्लेस यू ऑल